किसान भाइयों नमस्कार स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर गेहूं बीज पर अनुदान हेतु पंजीयन कराने की तिथि बढ़ी धान की खरीद में भारी इजाफा प्रदेश में सूखे के चलते उर्वरक की मांग में गिरावट किसानों को दिए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने खेती की क्षेत्रीय भौगोलिक जरूरतों के बारे में मांगी स्थानीय लोगों ऐसी राय अब कृषि समाचार विस्तार ऐसी कृषि विभागों की ओर से किसानों को बीज के साथ ही बुवाई व सिंचाई के यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है अनुदान राशि का लाभ किसानों को मिल सके इसके लिए किसानों को विकास खंडो में अपना पंजीयन कराना होता है किसानों की सुविधा के लिए एक बार फिर पंजीयन की तिथि बढ़ा दी गई है इच्छुक किसान 31 दिसंबर तक पंजीयन करा सकते हैं बिजली के साथ डीजल की बचत के लिए किसानों के लिए सोलर पंप काफी लाभदायक हो सकता है किसान तीन से पाँच हॉर्स पावर तक के सोलर पंप खरीद सकते हैं किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 50 से 75 फीसद तक का अनुदान भी दिया जा रहा है ये अनुदान सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा खतौनी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और पहचान पत्र के साथ किसान अपने नजदीकी विकास खंड स्थित बीज केंद्र से संपर्क कर सकते हैं मानसून से प्रभावित खरीफ सीजन में धान की कम पैदावार के अनुमान के बीच धान की सरकारी खरीद में भारी इजाफा हुआ है केंद्रीय स्तर पर भारतीय खाद्य निगम एफ और राज्य एजेंसियों की चावल खरीद पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले पच्चीस फीसदी ऐसी भी अधिक हो चुकी है सरकारी एजेंसियों ने अब तक कुल एक दशमलव दो पाँच करोड़ टन चावल की खरीद कर ली है जबकि पिछले साल इसी अवधि में सीधे किसानों से चावल की कुल खरीद सिर्फ संतानवे लाख टन ही हो सकी थी प्रदेश में अब तक कुल सत्रह लाख टन चावल की खरीद हो गई है सामान्य किस्म के चावल के मूल्य में सुधार न होने की वजह से किसान सरकारी एजेंसियों को ही अपनी उपज बेच रहे हैं खरीफ की पैदावार घटने के बाद अब रबी सीजन की बुआई भी प्रभावित हो रही है गत वर्ष की तुलना में पच्चीस लाख हेक्टेयर कम भूमि में बुआई हो पाई जबकि विभागीय आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा रबी सीजन में बुआई लक्ष्य एक लाख हेक्टेयर है पर अब मात्र उनतीस लाख हेक्टेयर भूमि में ही बुआई हो सकी है जिसमें गेहूं की बुआई सर्वाधिक प्रभावित हुई है बुआई कम होने से उर्वरक खपत काफी घटी है किसानों को वर्षा न होने के कारण बुआई हेतु खेत की तैयारी करने में काफी मुश्किलें आ रही है जिसमें गोदामों में भरी खाद का समय से उठान न होने से उसके रखरखाव की समस्या खड़ी हो गई है लंबे समय तक उर्वरक को रखने से पोषक तत्वों में कमी का अंदेशा होता है जिसके चलते उर्वरक उत्पादन करने वाली कंपनियों को भारी नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस पर कृषि निदेशालय के सभागार में राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन के मौके पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के कृषि सचिव ने बताया कि अत्यधिक एवं असंतुलित उर्वरकों तथा कृषि रसायनों के प्रयोग से खेत की मिट्टी मृत हो रही है या उत्पादन क्षमता घट रही है उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश के 35 लाख किसानों को एसएमएस के जरिए सूचनाएं दी जाएंगी। साथ ही इस मौके पर कृषि निदेशक ने अनुदान पर मिलने वाले निवेशों की विस्तृत जानकारी भी दी है जलवायु परिवर्तन की मुश्किलों से निजात पाने हेतु कृषि मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति ने खेती की क्षेत्रीय भौगोलिक जरूरतों के बारे में स्थानीय लोगों की राय मांगी है कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर सलाह मशवरा करने के लिए विशेषज्ञों किसानों व विभिन्न संगठनों से सलाह देने का आग्रह किया गया है जिससे क्षेत्र विशेष में होने वाली खेती फसलों की नई प्रजातियां, उनमें सुधार की जरूरत सिंचाई के साधन और वहां के लोगों की खाद्य जरूरतों के बारे में विस्तार से बताने को कहा गया है समिति की ओर से पशुधन बागवानी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों पर भी विस्तार से सुझाव देने को कहा गया है लोगों को अपने सुझाव लोकसभा सचिवालय में जमा कराने हैं समिति के समक्ष उपस्थित होकर भी अपने सुझाव रखे जा सकते हैं इन सुझावों पर अमल करके खेती में होने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा तो किसान भाइयों ये थे आज के अंक के कृषि समाचार अगले अंक में कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियों के साथ फिर होंगे उपस्थित तब तक लिए दीजिए अनुमति नमस्कार और बताओ बस अरे ये क्या भैया जी बस इतनी सी रासायनिक खाद किसानी छोड़ रहे हो क्या किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं मिट्टी की जांच कराई है अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें और हाँ मिट्टी में गंधक जस्ता बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें अरे वाह तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर मेरे साथ बोलो ए, बी अरे नादान बच्चे को एबीसी सिखा रहा है अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा ये देख विज्ञापन तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है एसी एबीसी एसी एबीसी जी हाँ ए सी ए बी सी यानी एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर छत्तीस ऐसी चौवालीस तक की सब्सिडी भी मिलेगी तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी शाबाश चलो अपना स्वरोजगार खेती में हो विकास अपार अरे वाह बीज कीटनाशक और आज खाद भी अरे इतना खर्चा कहाँ से अरे खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड कार्ड अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है तो हर भैया एक कारण मेरे लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाए ढेर सारे लाभ यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी एफ की नामरू फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता किसान भाई नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों संकट के आभास में हम खड़े हैं साथ में हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन जो भिन्न भिन्न विषयों पर आपको नई से नई जानकारी देकर के आपकी परेशानियों को खत्म करने की कोशिश करता है आज का दिन कुछ खास है क्योंकि तो आप जानते ही आज है गुरुवार और गुरुवार को हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम होता है तो उठाइए कागज और पेन और लिखिए हमारा टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच दो तीन तीन जीरो पांच दो दो शून्य पांच सात पांच छह और लिखिए हमारा दूसरा फोन नंबर शून्य पांच दो दो आठ आठ छ नौ आठ तो दर्शकों आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि हमारा आज का विषय कौन सा है आज है इस माह होने वाले समयकार कौन कौन समयकार होने हैं इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एस के सिंह कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में डॉक्टर साहब ये जो मौसम चल रहा है थोड़ा सा गर्मी से ठंडा की तरफ बढ़ रहा है और दिसंबर का महीना है तो इस समय हमारे किसान भाई कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं देखिए किसान भाइयों रबी के मौसम में हमारी जो मुख्य फसल है वो है गेहूं जी और उसके बाद जो है दलहनी फसलों में चना आता है मटर है मसूर है जी। और तिलहनी फसलों में इस समय सरसों है मुख्य फसल जो हमारी गेहूं है जो कि खाद्यान्न फसल में आती है और काफी यह इस समय हमारे किसान भाई जो समय से गेहूं है या असिंचित क्षेत्र में गेहूं है या उसरीले क्षेत्र में गेहूं है इनकी इसमें बिजाई कर चुके होंगे लेकिन कुछ विलंब की दशा में जो हमारे किसान भाई हैं वो अभी बिजाई करने वाले होंगे या प्रारंभ करने वाले हैं या आगे आगे, दो आगे दिन कर, में करना चाहिए मतलब जो इस समय सामयिक कार्य है वो दलहनी फसल के भी हैं तिलहनी फसल के भी हैं और, है, और, और खाद्यान्न फसल फसल फसलों के भी हैं तीनों फसलों के डॉक्टर और आपने बताया कि इसमें जो अहम है वो है खाद्यान्न फसल गेहूं गेहूं तो आपने डॉक्टर साहब बताया कि कुछ किसान भाई हमारे जो है कर चुके हैं कुछ आये करना चाहते हैं तो हम इसी में से पूछना चाहते हैं कि जो किसान भाई गेहूं की बुआई कर चुके हैं उनके लिए क्या क्या समय कार्य हैं आज के समय में देखिए किसान भाइयों हमारी जो विलंब से बोने वाली गेहूं की प्रजातियां हैं पहले आप उनका चयन कर लें क्योंकि समय से बोने वाली प्रजातियां जो जैसे पीबीडब्ल्यू तीन सौ तिहत्तर है मालवी दो सौ चौंतीस है चंद्रघात कृषि विश्वविद्यालय की है नैना प्रजाती है पंचानवे तैतीस है नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की एनडब्ल्यू दस सौ चौदह है एनडब्ल्यू बीस छत्तीस है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की मालवी दो है ये प्रजातियां बहुत अच्छी हैं इसके अतिरिक्त कुछ विलंब की दशा में जैसे किसान भाई दिसंबर खत्म होते होते या जनवरी के पहले पखवाड़े में करना चाहते हैं तो उसमें गोल्डन हल्ला है या उन्नत हल्ला है ये चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय की प्रजाति है इसका आप चयन कर सकते हैं सबसे जरूरी है किसान भाई बुआई कि समय प्रजातियों का चयन करना डॉक्टर साहब ये तो किसान भाई प्रजातियां हमारा समझ, समझ ली डॉक्टर जिन जिन आपने विश्वविद्यालय की बात की ये क्या जो, ये जो प्रजातियां वहीं से उपलब्ध हो पाएंगी देखिए ये तो प्रजातियां उन विश्वविद्यालय में भी उपलब्ध है उसके अतिरिक्त जो आपके जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र है वहां उपलब्ध हो जाएगा जो राज्य सरकार का आ, जी डॉक्टर साहब एक फोन हम ले लेते हैं बारह बंकी से फोन आ रहा है हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है नमस्कार सर मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बारा बंकी गाँव बसोली जानना चाहता हूँ हमारे यहाँ सरसों जो दो प्रकार की है एक तो इसमें फूल दे रही है दूसरी भी थोड़ा थोड़ा ऊंची हो गई मूलभि वो फूल नहीं दे रही तो ये दोनों सरसों में हमें सामाजिक कार्य क्या करने चाहिए जिससे दोनों फसलें जो है बहुत बढ़िया हो सरसों की देखे, देखे, नंद किशोर जी है मैं समझ गया नंद किशोर जी देखिए जो आपकी सरसों में फूल आ गया है तो वो तो ठीक है आपने समय से बिजाई की है उस सरसों की उसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन एक उसमें आप सिंचाई जो फलियां बनने की अवस्था आती है उसमें उससे पहले एक सिंचाई उसमें कर दें लेकिन दूसरा चीज जो ये दूसरी आपकी फसल है जो आपके विलंब से आपने बोई है इसमें जो ही थोड़ा सा और ठंड पड़ेगी तब उसमें फूल आएगा और जो ही फूल आएगा तो कोहरा पड़ेगा तो उसमें माहो का अटैक आ सकता है मतलब कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती हाँ माहो तो माहो कब से प्रभावित हो सकती है तो उसके लिए आप जो है इंडोसल्फान का प्रयोग करें जब माहो कीट का प्रयोग प्रकोप हो आप उसको निरंतर खेत पे चेक करते रहिए जाते रहिए अगर प्रकोप ना हो तो कोई जरूरत नहीं है नहीं। लेकिन अगर प्रकोप होता है तो उसमें आप इस दवा का छिड़काव करना पड़ेगा जो आपने समय से बो दिया है जिसमें फ्लावरिंग है उसमें आपको सिर्फ एक सिंचाई करने की आवश्यकता है जब फली बनने लगे उससे उस, उस समय आप एक सिंचाई हल्की सिंचाई उसमें कर दें और कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब क्या खाद का भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं उस तले फसल में जो हमारे भाई पूछ रहे थे जी नहीं चूंकि तिलहनी फसल में जो भी खाद मुरु का प्रयोग होता है वो बेसल में 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 ही किया में किया जाता जाता है है शुरुआत दौर तो इसलिए उसमें नहीं किया जा सकता हाँ, बहुत वो है तो एक सल्फर का प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं लेकिन उनकी फ्लावरिंग स्टेज है तो उसमें करने की आवश्यकता नहीं है तो कब कर सकते हैं सल्फर का प्रयोग सल्फर का प्रयोग खड़ी फसल में फ्लावरिंग से पहले पहले उसका प्रयोग कर मतलब करता है बेसल में ही सल्फर का प्रयोग कर गंधक का प्रयोग किया जाता है लेकिन अगर जो किसान भाई गंधक का प्रयोग कर गंधक का प्रयोग किया जा सकता कर सकते हैं किसान तो आपसे बात कर रहा था गेहूं की प्रजातियों, बात था। प्रजातियों की बात हो गई उसके बाद किसान भाई इसकी बिजाई की बात करें अगर हम तो बिजाई में यह करते हैं कि जो समय से प्रजातियां बोने की है उसमें हम 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के दर से रखते हैं लेकिन विलंब से बोने वाली प्रजातियों के किसान भाई हम थोड़ी बीज की मात्रा को बढ़ा देते हैं और ये करीब एक किलो के आसपास किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से हम बीज का प्रयोग बिजाई में करें ध्यान रखें किसान भाइयों इस समय आपने विलंब डॉक्टर साहब फोन आ रहा है हमारे पास हेलो uh, हाँ हाँ जी बताइए सोलह दिन का हो गया, गया हैं क्या फिर से बताइए क्या, क्या करें आवाज नहीं साफ आ रही है आपकी <laughs> सर को कोई कितने दिनों के लिए किया जाए मैं समझ नहीं पाया इन्होंने क्या देखिए अच्छा ठीक है आपकी में आपको पूरी बात बता देता हूँ सोलह दिन की आपकी आप आप फसल हो गई है गेहूं की आपने बिजाई कर दिया है तो देखिए पहली बात तो आप जो ही बीस से पच्चीस दिन की फसल होती है आप उसमें पहली एक सिंचाई कर दीजिए पहली सिंचाई करने के बाद अगर उसमें खरपतवार आता है चाहे वो पतली पतली सक्री पत्ती वाला हो या चौड़ी पत्ती वाला अगर बथुआ आ रहा है तो उसके लिए आप टू फोर डी सोडियम साल्ट का स्प्रे कर दीजिए पहली सिंचाई के बाद बात एक सप्ताह मतलब पहली सिंचाई के बाद जब एक सप्ताह हो जाए मतलब बुआई के तीस से पैंतीस दिन के अंदर और मान लीजिए गेहूं या गेहूं का मामा है तो आप सल्फो सल्फ्यूरान का प्रयोग करें पचहत्तर हाँ पचहत्तर डब्ल्यू जी है जो कि तैतीस ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका स्प्रे करें बुआई के तीस से पैंतीस दिन के अंदर पहली सिंचाई के बाद और आपकी बातों से लग रहा था कि मान लीजिए अगर हो सकता है कि आपका जमाव मतलब पौधे अच्छे तो नहीं कम, है कम ना, तो पहली कम पहली सिंचाई के बाद जब 10 से 15 दिन की आपकी फसल हो जाए तो एक 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 16 किलोग्राम यूरिया जी। प्रति हेक्टेयर के दर से आप 600 से 800 लीटर पानी मिला के एक स्प्रे कर दें उसमें डॉक्टर साहब आपने बात की कि सिंचाई इस अवस्था में कर सकते हैं कई बार क्या होता है कि हमारे किसान भाइयों के पास व्यवस्थाएं उतनी बढ़िया नहीं होती कहीं पर एक सिंचाई हमारे किसान कर पाते हैं कहीं दो करते हैं कहीं तीन करते हैं कहीं चार करते हैं और कहीं पूरी पूरी पाँचवीं करते हैं तो ऐसी दशाओं में क्या कर सकते हैं क्या एक सही काम बात हो सकता सही है? सही आपने बहुत हमारी परिस्थितियां बहुत अलग अलग हैं जी बिल्कुल हमारे बहुत किसान ऐसे हैं जिनके पास चार से पांच पानी की सुविधा है जी। तो उनकी तो अवस्थाएं हैं कि एक पहली आप क्रांति की अवस्था जो 20 से 25 दिन पर करें दूसरी जो है चालीस से पैतालीस दिन बाद जो कल्ले निकलते समय तीसरी जो है गांठ बनते समय अवस्था आती है चौथी जो है पुष्पावस्था जब फूल निकलते हैं और पांचवी दुग्धावस्था है फिर दाना भरते समय ये चार से पांच से छह सिंचाई किसान भाई करते हैं अब हमारे किसान भाई जिनके पास सिर्फ तीन ही पानी की सुविधा है तो वो एक पहली करें बीस से 25 दिन बाद फिर एक दूसरी जो करें वो फलियों में बाली बनते समय करें जी, डॉक्टर रो, रोकना चाहेंगे हमारे किसान भाई का फोन अपनी समस्या समाधान करने के लिए जी बताएं। बताए नमस्ते नमस्ते बरवा भाई साहब ऐसी बोल रहा है भा, भाई साहब आप आप अपने टीवी की आवाज थोड़ा सा धीमी कर लें नहीं तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा हम प्रश्न अच्छा सुन नहीं पाएंगे ऐसा असर जी की जैसे हमारा गेहूँ बोया है जी तो दो हफ्ता मतलब हो गया हो है गेहूँ बोए जी पंद्रह तो तो दिन क्या खाद मिलाए नहीं अभी मिला नहीं अभी आपने बुआई से पहले कौन सी खाद डाली है बुआई के समय अभी तो सर जी मटियाई मटियारी जो वाला होता है डीएपी 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 डाला है डाई 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 जो डाला है नहीं तो अभी अभी देखिए आप जब पहली सिंचाई कर लीजिएगा अच्छा सर। जब 20 से 25 दिन बाद जब आप पहली सिंचाई करिएगा उसके बाद आप एक यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करिएगा ठीक है और अगर आपकी पत्तियां चार छह दिन बाद हल्की हल्की पीली पड़ के लाल ऊपर दिखने लगे तो जिंक की कमी क्योंकि आपने जिंक का बेसन में प्रयोग नहीं किया है तो हो सकता है कि जिंक की कमी के लक्षण दिखें तो 10-12 दिन बाद पुनः आप जो है पांच किलोग्राम जिंक सल्फेट और 16 किलोग्राम यूरिया जी। एक हेक्टेयर में मतलब 600 से 800 सौ लीटर पानी में मिलाकर एक हेक्टेयर के दर से आप उसका स्प्रे करिएगा मतलब अगर आपका एक बीघा खेत है तो करीब सवा किलो जिंक सल्फेट और चार किलोग्राम यूरिया और एक ड्रम पानी ये मिलाकर आप स्प्रे करिएगा तो आपकी फसल अच्छी हो जाएगी लेकिन आपने सिर्फ डीएपी लिया है थोड़ा सा आपको पोटास भी लेना चाहिए किसान भाइयों को जन... बताना बहुत आवश्यक है कि हमारे खेत में फास्फोरस नोटास जो मुख्य पोषक तत्व है इसको तो डालने की जरूरत ही है इसके अलावा जो अति सूक्ष्म पोषक तत्व तो है जो हमारी जमीन में कमी हो रही है मैग्नीज है बोरान है सल्फर है इनको भी किसान भाइयों को डालने की आवश्यकता है आपने बोला कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है और अति सूक्ष्म पोषक तत्व है ये हमारे किसान भाइयों को पता कैसे चलेगा कि हमारे खेत में क्या जरूरी बहुत है बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया देखिए किसान भाइयों अभी पांच दिसंबर को विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया गया है जो हमारे पूरे देश में किया गया है और इसका ये अभी अगले दो हफ्तों तीन हफ्तों तक चलना है कार्यक्रम इसमें किसान भाई अपने अपने मिट्टी का नमूना लेकर और इसकी जांच कराएं जिसमें कि आपको सारे तत्वों की जानकारी दी जा रही है कि आपके खेत में किस चीज के तत्व की कमी है किस चीज की कमी नहीं है और उस अनुसार आप अपने खेत में बुआई के बाद जो है खाद मुरो का प्रयोग करें तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी उसके बाद डॉक्टर साहब बात हो रही थी सिंचाई सिंचाई की हाँ, सिंचाई की सिंचाई की तो जो मैंने तीन की अवस्था बताई उसके बाद अगर किसान किसी किसान के पास सिर्फ दो पानी है तो एक वो बीस से पच्चीस दिन पर और एक दुग्धावस्था में जी। और मान लीजिए कहीं किसी किसान के पास असिंचित क्षेत्र पानी है ही नहीं एक पानी दे सकता है तो 20 से 25 दिन जो सबसे पहली अवस्था आती है उस पर किसान भाई सिंचाई करें डॉक्टर साहब ये बात हो गई सिंचाई की और सिंचाई में भी बात खास तौर पे हुई जाकर के अगर पानी की व्यवस्था कम है कम है तो डॉक्टर साहब अगर पानी की व्यवस्था ज्यादा है ज्यादा बरसात हो रही है या खेत कुछ नीचे है पानी भर रहा है तो ऐसी दशा में हमारे किसान क्या कर सकते हैं ऐसी दशा में देखिए किसान भाई उस पानी को आपको निकालने का अगर आपका खेत नीचे है तो पानी को आपको निकालने का वो रास्ता साधन करना नहीं। पड़ेगा जी थोड़ा सा खेत में आपका खेत समतल हो जिससे कि पानी निकल जाए और आप जो मेड बनाते हैं खेतों में वो छोटे-छोटे बनाएं -छोटे किसान भाई बहुत बड़े-बड़े प्लॉट बना देते हैं तो इससे पानी कहीं भर जाता छोटे-छोटे बनाएं तो पानी भरेगा तो पानी दूसरे साइड से निकल जाएगा ध्यान रखें अगर पानी भरा रहेगा खेत में तो गेहूं हमारा कमजोर हो जाएगा उत्पादन प्रभावित होगा जी तो सब आपने बात की थी गुल्ली डंडा की जो खरपतवार होता है अपना गेहूं में तो क्या इस गेहूं के मामा के अलावा भी कोई खरपतवार निकलता है या केवल यही मुख्य नहीं गेहूं में दो प्रकार के खरपतवार होते हैं किसान भाइयों को बता दें एक तो चौड़ी पत्ती वाले जिनकी पत्ती चौड़ी होती है जैसे बथुआ है किशनील है गज प्याजी है इस तरह के खरपतवार है और एक होते हैं सकरी पत्ती वाले जिससे गेहूं गेहु जैसा।, गेहूं जैसा ही होता है गेहूं का मामा उसको भी बोलते हैं कुछ किसान भाई और जंगली जय ये दोनों के नियंत्रण अलग अलग हैं और किसान भाई ध्यान रखें आपकी जब भी आप दवा खरीदने जाए एक तो उस पर आप प्रयोग की अंतिम तिथि जो एक्सपायरी डेट होती है उसको आप पढ़ें और दूसरा आप समय का विशेष ध्यान दें बिल्कुल जो समय बताया जाता है उस समय का विशेष ध्यान दें कि जैसे ही आपने बिजाई की बिजाई से 20 से 25 दिन बाद आपने सिंचाई की उस सिंचाई के एक सप्ताह बाद एक सप्ताह बाद जो है खेत में जब जाने लायक हो जाए तो वो जो 30 से 35 दिन के बीच का समय होता है समय आ जाएगा ये वो सबसे उपयुक्त समय होता है किसान भाई आप उसी समय जो है इस खरपतवार नाशी का प्रयोग आप कर सकते हैं जी। अब देखिए बात करते हैं जैसे कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं जैसे की बताया मैंने आपको बथुआ और उनके लिए तो इनके नियंत्रण किसान भाई टू फोर्टी सो डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहेंगे हमारे शुक्ला जी हैं शुक्ला जी देवरिया से जी शुक्ला जी पूछिए शुक्ला जी हाँ बताएं। जी, नमस्कार, नमस्कार। देवरिया शुक्ला बोल रहा हूँ जी शैलेश जी बताए शैलेश जी आपसे विनम्र निवेदन है बल्कि मैं कहूंगा कि सभी दर्शकों से हमारे किसान भाइयों से ये मेरा निवेदन है और हमारे परिवार की तरफ से भी निवेदन है कि आप अगर कोई भी प्रश्न पूछते हैं अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो टीवी की आवाज अपनी धीरे रखें नहीं तो प्रश्न हमको सुनाई नहीं पड़ेगा आपकी समस्या का समाधान हम यहाँ से कर भी नहीं पाएंगे जी शुक्ला जी पूछिए शुक्ला जी पूछिए शुक्ला जी सर हमारे गेहूं के फसल में सरसों बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया है और गेहूं का मामा हो गया उसमें ज्यादा मात्रा में <N divi> नहीं सरसों आपने बोया था कि ऑटोमेटिक निकल आया है ऑटोमेटिक निकल आया तो कितने दिन की बुआई हो गई आपकी <Nitly> कितने दिन जी कितने अठारह दिन हो गया अठारह दिन गया। तो अठारह दिन, तो दिन हो गया तो अगर सरसों देखिए सरसों बहुत ज्यादा है तब तो दवा का प्रयोग करना नहीं है तो आप सरसों की निराई करा दीजिए हाथ के द्वारा अभी अट्ठारह दिन की आपकी फसल है तो जब आप पहली सिंचाई करेंगे तो गेहूं का मामा जैसे गेहूं का मामा पतली पत्ती है और सरसों आपकी चौड़ी पत्ती का खर आ जाता है लेकिन आप कोशिश यह करें कि सरसों को निराई के हाथ के द्वारा उसको निकाल लें तो एक तो फायदा क्या होगा कि हाथ के द्वारा निकाल लेंगे तो वो जा, आपके जानवर के लिए भी काम आ जाएगा और उसके बाद रसायन का ज्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ेगा नहीं। बात आती है आपके गेहूं के मामा के लिए तो जो गेहूं सा आपने बताया उसके लिए जो ही आप पहली सिंचाई करें पहली सिंचाई के बाद जो सात से आठ पहली सिंचाई के बाद सात से आठ दिन बाद जब आपको खेत में जान लाख हो जाए मतलब वही तीस से बत्तीस तैतीस दिन के अंदर तब आप उसके लिए सल्फो सल्फ्युरान जो दवा नोट कर लीजिए पचहत्तर डब्ल्यू जी है 33 ग्राम दवा जो है प्रति हेक्टेयर के दर से या फिनोक्सा प्रॉप जो है दस ईसी दवा जो है एक लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जी। या या जो है सल्फो सल्फ्युरान प्लस मेट सल्फ्युरान जो है चालीस ग्राम जो है आप पचहत्तर अनुपाते पच्चीस पचहत्तर भाग सल्फोसल सल्फ पच्चीस ये आ, मेट सल्फ्युरान आप इसका प्रयोग कर सकते इस हैं इससे गैप हो जहां मान लीजिए दोनों है चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाला भी आपका पतली पत्ती वाला और चौड़ी पत्ती दोनों है तो वहां आप जो है सल्फोसलफ्यूरान प्लस जो है मेट सल्फ्युरान मिथाइल फाइव पर पांच प्रतिशत डब्ल्यू जी है जी। जो कि चालीस ग्राम दवा जो है इसको आप प्रति हेक्टेयर के दर से छह सौ से आठ सौ लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे करें स्प्रे करने के लिए आप ध्यान रखिए कि जो आपका नोजल है ना उसका प्रेशर ना हो वो फवारे जैसा मतलब कोहरा जैसा उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और बिल्कुल बिल्कुल जैसे सिंचाई नहीं होती है वैसे वो गिरता है फॉग जो, जो कोहरा गिरता है उस तरह जी, जी, का आप जो है मतलब पतली पतली बहुत बूंदें जो हर पत्ते के हां हर उस पे, उस पे जाए तो उसका उसको कर सकते हैं जी डॉक्टर देवरिया से प्रश्न है जी पूछें हेलो अपना प्रश्न पूछे हेलो जी पूछिए okay. बोलिए भाई आलू के जो बुआई है जी बहन जी उसे बोने का सही महीना कौन सा है आ, आलू की बुआई का सही महीना कौन सा है हमारी से नहीं देखिए ऐसा है कि आलू की बिजाई तो आप प्रारंभ हो चुकी है हुँ. हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो उपयुक्त समय है अगर जल, जल्दी पकने वाली अगर आपने प्रजाति ली हो तो उसका समय काफी पहले से हो चुका है लेकिन इस समय आप बिजाई कर सकते हैं आपका सही समय चल रहा है जी डॉक्टर साहब ये बात तो हो गई खादान फसलों की अब बात करते हैं दलहनी फसल क्योंकि दलहन का भाव तो बहुत ऊपर है अगर उसमें हमारे किसान भाई नुकसान हो गया तो फिर तो हमारा कार्यक्रम व्यर्थ है देखिए किसान भाइयों हाँ सही बात है दलहनी फसल में चना और मसूर और मटर इस समय रबी की हमारी फसल है और मटर की बुआई हो चुकी है समय से खत्म समय निकल चुका है उसका मसूर का भी निकल चुका है चना का भी निकल चुका है लेकिन विलंब की दशा में अभी एक किसान भाई अगर चना की प्रजाति जैसे उदय है मिल जाए या मतलब क्या नाम है कि डीपीएल पी एल बासठ डैश तीन है वो मिल जाए आपको किसान भाइयों को तो आप इनका कर सकते हैं जे जी चौदह वरायटी है अगर ये मिल अगर यह मिल जाए किसान भाइयों को तो आप इनका चयन कर सकते हैं 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से एक लास्ट में करना मैं किसान को बताना चाहूं किसान भाइयों के दिमाग में यह रहता है कि चने की जो खुटाई होती है उससे क्या उत्पादन प्रभावित होता है कहीं कहीं किसान भाइयों के देखिए किसान भाई जब बुआई के जब बुआई हो जाती है उसके बीस से पच्चीस दिन बाद आप चने की खुटाई कर सकते हैं लेकिन चालीस दिन के अंदर ही खिटा, खुटाई करें मतलब 40 दिन समाप्त हो रहा है समा, इसलिए आपसे आप डॉक्टर माफी, माफी साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों आज हमारा सजीव प्रोग्राम होता है और आपकी समस्याओं का समाधान हम फोन के द्वारा कर देते हैं लेकिन हम आपसे फिर और फिर बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आगे से कभी भी हमारा प्रोग्राम आप दे, देखते रहते हैं लेकिन आप, आप आवाज अपनी थोड़ी सी धीमी रखें जिससे आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत कर सकें नमस्कार